नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे दिल्ली की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली के सभी जिलों के तमाम एसटीएम कार्यालय पर हिंदुवादी संगठनों में विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के कंजावला स्थित एसटीएम कार्यालय पर विश्व हिंदू संगठन और बजरंग दलों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एक विशेष समुदाय द्वारा लगातार हिंसक घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों के लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की और हिंदू समर्थकों ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को एक ज्ञापन भी सौंप दिया है। देशभर के विशेष समुदाय द्वारा लगातार हो रहे हिंसक घटनाओं को लेकर अब तमाम हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ये जिहादी प्रवृत्ति के लोग हाथों में पत्थर लेकर के और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा हिंदू जो है वो बड़ा सहसुने आराम से रहता है, जब मंदिर में से निकलता है तो प्रसाद लेकर के निकलता है, लेकिन वो लोग जब मस्जिद से निकलते हैं तो हाथों में पत्थर लेकर के निकलते हैं और वो हिंदुस्तान के खिलाफ लेकर के निकलते हैं। हम ये चाहते हैं कि संविधान के अनुसार देश चले, ना कि उनके शरीयत के हिसाब से देश चले। शरीयत के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए, ये सिर्फ संविधान के हिसाब से देश को चलना चाहिए। मैं यही कहना चाहते हैं कि महिलाओं को बोलने की जो अभिव्यक्ति कहते हैं लोग कि महिलाओं को या पूरे समाज को कम से कम बोलने की तो अभिव्यक्ति दी जाए, अब वो अभिव्यक्ति भी हमसे छीन ली गई है। एक बोलने का भी राइट नहीं है और वो भी सच्चाई। और आप मुस्लिम को देखिए, वो अपनी लिखी हुई चीजों को बोलने के बाद भी इतने सक्षम है कि अपनी बात को रखवा सकते हैं, मनवा सकते हैं। और हम लोग उस सच्चाई को बयान करने पे जो उनके द्वारा लिखी गई है, उसके बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं। वजह, हिंदू राष्ट्र एक है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हमें अपनी बातें रखने का उतना ही अधिकार है जिस तरह मुस्लिम को हम यहाँ पे ये अधिकार देते हैं, क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम के साथ इस तरह की हरकतें पहले कभी नहीं हुई हैं, क्योंकि आज से नहीं सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। और हर जो हिंदू व्यक्ति है उसको अपनी बात रखने का, हर महिला को अपनी बात कहने का, हम लोगों के उपहास उड़ाए जाते हैं, हमारे देवताओं के शिवलिंग को लिंग कह के उपहास उड़ाया जाता है, कब तक बर्दाश्त करेगा ये समाज। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के मकसद से शुरू की गई सरकार का मिशन अग्निपथ को लेकर एक ओर जहां युवा वर्ग में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस फैसले पर युवाओं में भारी रोष भी दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को नांगलोई रेलवे स्टेशन पर भी मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर सैकड़ों की संख्या में युवा छात्रों ने रेल रोक कर प्रदर्शन किया। युवाओं छात्रों द्वारा इस विरोध प्रदर्शन का नाम दिया गया मोदी भगाओ देश बचाओ। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। सर, मेरा नाम विकास मौर्य है। सर, आज से मैंने 2 साल पहले आर्मी का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार मैंने आर्मी का मेडिकल और फिजिकल, मैम मेडिकल और फिजिकल क्लियर किया और हमसे कहा कि सर 3 महीने बाद एग्जाम है। सर, 3 महीने बाद एग्जाम तो पोस्टपोन कर दिया, उसके बाद आ गया कोरोना। कोरोना में सर 7 बार इन्होंने पोस्टपोन किया। इन्होंने कहा कि भर्ती होगी 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 होगी, अब बच्चे के सारे बैठे रहे। फिर बीच में हमने सर ट्विटर कैंपेन चलाया, नंबर एक पे ट्रेन करा पूरे भारत में। फिर हम गए सर जंतर मंतर में मंत्रियों से हमारी बात भी हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भर्ती होगी होगी होगी, भर्ती हुई नहीं। फिर भी हमने सर वेट किया, हमने सर 2.5 साल से वेट कर रहे हैं। यही ड्रामा रहेगा क्या सर? हमारे घर वाले इतनी मेहनत से सर जूता खरीद के लाते, चने खरीद के लाते, सर फिर भी हमारी भर्तियां नहीं हो रही। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहेंगे, जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है ना, सिर्फ उसको देख ले सरकार। जब हमने अपना आर्मी का मेडिकल और फिजिकल दोनों क्लियर करने के बाद हमारा जो रिटर्न रोड था उसको इनके द्वारा टाला जा रहा था। वो कह रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, जिस वजह से हमारा एग्जाम नहीं लिया जा रहा था। और अब 2 साल बाद ये कह रहे हैं कि आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम रद्द कर दिया गया है, तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं है। नाम तो शिवम है। शिवम, अब बता क्या कहना चाहते हैं। 4 साल तक किसी भी गरीब तबका या हम जैसा भाईचारा 3 बजे उठ के देखोगे गली गली में मिलेगा, लेकिन कोई भी मंत्री या कोई भी नेता या कोई भी किसी का लौंडा अगर मिल जाए तो मुझे बताओ, ठीक है? और दूसरी बात ये है, 4 साल
भाई साहब अगर जब लड़का पैदा होता है तो उसको चलने में 4 साल लगता है, तुम 4 साल बाद हमें वापसी भेज दोगे, हम क्या करेंगे? 4 साल में हम करेंगे क्या? 4 साल में तुम्हें अब तुमने क्या किया? फौज को भेज दिया, फौज को भेज दिया। हमारे पास एक ही चीज था, लोकतंत्र, तुमने उसको ही भेज दिया। क्या करोगे? मांग क्या है? हमें टीओडी नहीं चाहिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।